न्यूज जो भी आ रहे हैं खाली पवन खेसारी पवन खेसारी। अरे दीपक तिवारी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप दीपक तिवारी के बारे में पूछिए, दीपक तिवारी के बारे में आप सर्च करके आइए कि दीपक तिवारी आखिर 14 साल इस भोजपुरी जगत में है तो इन्होंने कितना खून भोजपुरी के लिए। आप 14 साल से गा रहे हैं तो भोजपुरी हमारी शान है, भोजपुरी हमारी माटी है, उनके लिए आप क्या योगदान की? यही आपका योगदान हम चाहते हैं। यही न कहत नहीं करूँगा, हमारे बारे में विश्वास नहीं कहले। वही योगदान आपसे हम जानना चाहेंगे, आप भोजपुरी के लिए क्या करेंगे? मैंने ये जानता नहीं, खाली भोजपुरी में सिर्फ आप है। इनको प्यार कब से होने लगा है? किस हमको अपनी मेहरारू से? किन से? अरे मेहरारू से, जब से आए माल देखते हैं, एक से माल देखते होंगे भाई का। कौन कौन माल नहीं, अरे माल हमने माल नहीं सब ना जानी ले जा हमने। अगर हीरो को हीरोइन से तनिको ना सोचलू हमार बर्बादी, तू तारा चावा थाड़ू दोसरा से शादी, रिश्ता ना निभैलू साझेदारी के, रिश्ता ना निभैलू साझेदारी के, एन रंग गिरे हमरा देही से ब्लड के, ओन रंग चुना तार साड़ी के। ये मेरा गाना रिलीज हुआ है और जैसे सबको पता है और आपकी मुलाकात पहली है ना? हाँ, अभी तो पहली मुलाकात है लेकिन आप पहली मुलाकात है सर। पहली मुलाकात तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है आर के पांडे भैया। चैनल के फेसबुक पेज के देखे वाला तमाम श्रोता के हमारा दीपक तिवारी के तरफ से और हमार हीरोइन रितु पांडे के तरफ से बहुत सारा आप सब प्यार दी हमने के दोनों आदमी के, कि हमने के आशीर्वाद रहो, सब के मिलत रहो और हमने का सही मेहनत करत रही जाए। लेकिन भोले बाबा का गाना हमको सुनना था, आप नहीं सुनाए? भोले बाबा के गाना सुनो हम। हमारा तो ये साल के गो गाना में अच्छा लगल। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहानवा भइले ना। ये बहुत प्यारा लाइन है, पवन भैया ने गाया है तो भजन है, आनंद लीजिए। अभी मेरा गाना रिलीज नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं सुना पा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू चढ़ जाएगा तो फिर। और भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लगातार विवाद तो हो ही रहा है, लेकिन गाना चोरी जो है नहीं। और वह हमारे इंटरव्यू लेवे आयल बनी तो हमारा बारे में कहे नहीं कि पूछो, खाली रुबत तमाम हो भइल तो हमारा बारे में पूछिए, हम अपना बारे में बताओ तो नहीं। तो सबसे पहले आप बताइए, ऋतु से पूछिए हमारे बारे में, बताइए ऋतु बताओ तो हम क्वेश्चन आदमी है, बताइए भैया हमारे कैसे? बताओ इनको कब से प्यार हुआ है? इनको प्यार कब से होने लगा है? किस हमको अपनी मेहरारू से? किन से? अरे मेहरारू से, जब से आए माल देखते हैं, एक से माल देखते होंगे भाई का। कौन माल नहीं, अरे बाप माल हमने माल नहीं सब ना जानी ले जा हमने। अगर हीरो को हीरोइन से प्यार नहीं होगा तो हीरोइन के तो गाना बनेगा कैसे? वो तो उसमें ढलना पड़ता है, वो तो ढल प्यार दिखाना पड़ता है जनता को, और ढल दे ले जा हमने के। तब कैसे कह रहे हैं कि प्यार नहीं होता है? नहीं प्यार की प्यार हमारा कम प्यार नहीं होगा। प्यार देखिए, प्यार काम से प्यार होकर के चाहिए, प्यार काम ही से प्यार हम बता प्यार रहे हैं। बोले हैं कि प्यार सिर्फ और सिर्फ हमारा खाली मेहरारू से बात, अपन मेहरारू से। क्या आप भी इनसे प्यार करती हैं? नहीं, मैं तो बहुत इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। कब बोला मैंने प्यार करती हूँ? मैं अच्छा मान नहीं, प्यार नहीं करती हूँ सर, है मेरे में इज्जत करती हूँ, बस यही बोला है। काम करके अच्छा लगा, गलत चीज है। नहीं, प्यार करें गलत चीज नहीं है, बिल्कुल प्यार करते हैं। मगर हाँ सुनिए इधर आइए, यही थोड़ा कन्फ्यूज है आदमी, हम बता रहे हैं प्यार करती है हमसे लेकिन हाँ वाला प्यार नहीं करती है। वाला प्यार नहीं, नहीं दिल से प्यार दिल करती से है। प्यार बोलो कि दिल से प्यार करती है, बोलिए कि दिल से प्यार है। हाँ, दिल से करते हैं, दिल से करती है। और मैं बता दूं रितु जी के बारे में, रितु एक बहुत अच्छी इंसान है। सबसे पहले कलाकार होने से पहले भले ही ये नेपाल से हैं लेकिन इनके अंदर इतना मैं बता दूं थोड़ा सा इनके बारे में, मजाक कब से चल रहा था रितु जी के बारे में। रितु जी नेपाल से हैं लेकिन कलाकार का कोई घर ये वो नहीं होता है, अपना कलाकारी हर जगह दिखाना है। रितु जी एक बहुत ही बढ़िया अदाकारा हैं, अदाकारा होने से सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। इनके दिल में, इनके दिमाग में बड़ों के लिए इज्जत है और ये खूब आगे बढ़ रही हैं। हम आप लोगों से चाहेंगे कि रितु जी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हाँ, नेपाली में आप पकड़ लो नीचे, भला नीचे अच्छी रही। अभी मैं बोल रही हूँ, बोला
किनकि अब म भन्छु हैन किनकि सानोलाई सानै सोच्छ हैन बोलो 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 मार्को पेलो क्या बोल रहे हैं बोलिए बोलिए पकड़िए बोलिए मार्को पोलो बस होती है इतना बड़ा लंबा सवाल मत पूछिए ना सर आप पूछिए मैं क्या मैं कह रहा हूँ देखिए रितु जी मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे और लाइए मुंह हवा मई को अभी पूछ रहे हैं आपसे कि आज आपका शूटिंग कहाँ हो रहा है और किसके साथ हो रहा है अच्छा। इसको आप नेपाली में जवाब दीजिए अच्छा आज मेरा शूटिंग आरामा हुँदैछ अरु म शूटिंगमा आको छु केकर सँग होइछ दीपक तिवारी सरको साथ भइराछ है आज धेरै खुसी लागेको छ कि सरसँग मेरो शूटिङ हुँदैछ अरु म धेरै भन्दा धेरै खुसी छु खुशी हुआ हाँ। मतलब कहने का मतलब इनका यही है ना रितु जी का आज हमारा में है आज मेरी आरा में शूटिंग है हाँ। और दीपक तिवारी सर के साथ मेरी शूटिंग है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ हाँ। इनका कहना भी है साथ रहते रहते थोड़ा सा सीख गया हूँ इनसे ये न्यूज हमारे मेहरारू तक नहीं जाना चाहिए तो बहुत मार मारेगी हमको तो देख पा रहे हैं ये न्यूज तो चलेगा ही और भैया अपने बीवी से मार खाएंगे क्योंकि बीवी से मार खाना वो तो बीवी का आशीर्वाद ही होता है तो चलिए अरे महाराज तो आप रोज आशीर्वाद सुने 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 आप रोज आशीर्वाद ले बहुत भाग्यशाली है सुने ना बीवी से मार खा तो हम आप क्या कह रहे हैं बीवी से मार खाना भी ये भी आशीर्वाद है तो आप भी रोज मार खा के आइए सुने सुने मेरी बात सुनिए पहले आप रोज मार खा के आइए आशीर्वाद आपको रोज मिलेगा आजकल लगातार ढोंढ़ी चोली का ट्रेंडिंग चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप ये सब पुरान हो गए हाँ। नया में कुछ जानते नहीं बता दीजिए जानते नहीं जानते नहीं रोवे ले रघुराई ये गाना तो बहुत अच्छा चला है ये भोले बाबा खोली ना हो नया नवा है नहीं आई हाँ बोले संघर्ष खेसारी भैया की फिल्म तमाम उनकर फरिश्ता और बताई नाम और कुछ बताएं नहीं वो तो चल अच्छा एक बात बताइए एक बात और बताइए एक बात आप बताइए हमको हाँ। कहा पहले पूछिए फिल्म में ये लोग जो भी हमारे स्टार लोग हैं फिल्म में चल गए थे छोटे छोटे कलाकार एल्बम बना रहे थे लेकिन ये लोग फिर फिल्म को छोड़कर कहाँ फिल्म छोड़े हैं फिर कहाँ फिल्म रिटर्न आ रहे हैं कहाँ के लिए आप क्या कहेंगे कहाँ फिल्म छोड़े हैं सब लोग अपना फिल्म लगातार फिल्म रिलीज हो रहा है अरे तो काहे नहीं हो रहा है पहले हॉल में लगता था लेकिन अब कहाँ अब हॉल में उतना सिनेमा नहीं लग रहा है अभी एल्बम का ट्रेंड चल रहा है फिल्म और वो लोग कर रहे चुनिंदा सिनेमा कर रहे हैं वो लोग ठीक है खेसारी लाल भैया फिल्म बनाए संघर्ष तो हमारे पवन जी हैं खेसारी भैया के बारे में ढेर बात मत करी वो सब फिल्म क्यों नहीं बनाया वो एल्बम तक क्यों रह गए अब हम का जानते उनके बारे में कहना बनौला कुछ तो जानते हैं आप भी कलाकार हैं वे तो कलाकार तो हम कलाकार को कलाकार नहीं जानेगा तो कौन जानेगा हमारा से पूछी गोलू राजा के बारे में चंदन यादव के बारे में अनुपमा के बारे में शिव कुमार बिकू के बारे में अनुपमा यादव को हमारे पवन भैया बोलते हैं कि देसीला वो कौची तो बोले थे उनके बारे में आप क्या कहें कौची मैंने क्या बोलते क्या बोलेंगे वो है अच्छी लड़की है उसका शरीर है तो देसीला भैंस की ऐसी कुछ बताते हैं पवन भैया तो क्या मतलब प्यार से बोल दिए प्यार से हम इसको भी कह देंगे तुम जर्सी गाय लग रही है हाँ, तो क्या हो गया आप कैसा लग रही है क्या जर्सी गाय है मैंने हम नहीं नहीं हम कह रहे हैं वो लड़की अनुपमा जो है वो अच्छा गाती है शरीर भी भगवान उसको दिए हैं सुडौल एकदम लगती है एकदम सुडौल है एकदम तंदुरुस्त उसका बोली वो तो मजाक किए हैं लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में वो मजाक को कहां से कहां पहुंचा दिया गया यही ना है इस सब चक्कर में मत पड़िए आप भी कुछ अलग बनाइए न्यूज जो भी आ रहे हैं खाली पवन खेसारी अरे दीपक तिवारी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं आप दीपक तिवारी के बारे में पूछिए दीपक तिवारी के बारे में आप सर्च करके आइए दीपक तिवारी आखिर 14 साल इस भोजपुरी जगत में है तो इन्होंने कितना खून पसीना बहाया है कितना मेहनत किया है क्या भोजपुरी के लिए क्या जो भी आ रहे हैं पवन के हम आप ही से चलिए जानना चाहेंगे भोजपुरी के लिए आप 14 साल से गा रहे हैं तो भोजपुरी हमारी शान है भोजपुरी हमारी माटी है उनके लिए आप क्या योगदान किए हैं भोजपुरी के लिए तो हमारी अभी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ मगर जब उस लायक हो जाऊँगा ना तो भोजपुरी के लिए क्या करूँगा और वो मैं जानता हूँ लेकिन मेरी औकात नहीं है फिर आप करेंगे लोग विवाद करेंगे उसको क्या करें इधर आइए ना एक जानकारी विवादें हुई सुनी पहले बात हमारे लेकिन
रस में जाई, हमारा चैनल पर जाई, कुछ हमू अलग करे के कोशिश कैले बनी, आशीर्वाद मिलल बा बहुत सारा, कम से कम 20-25 को हमारा वीडियो बा। आपके गाने से जातिवाद खत्म हो जाएगा? हमारा गाना से? हमारा गाना जाति पर चल रहा हमारा गाना। ऐसे जो भोजपुरी में माहौल बना है, आप बोल रहे हैं भोजपुरी के लिए हम कुछ किए हैं, आप क्या किए हैं? ऐसा कीजिए कि भोजपुरी में लगातार बवाल है चाहे जो भी हो रहा है, आप ऐसा कोई एंटरटेनमेंट लेकर आइए कि भोजपुरी को सुधारे। यही नु कहत तनी गुरु, यही आपका योगदान हम चाहते हैं। यही नु कहत तनी गुरु, हमारा वाला विश्वास से नहीं कइले, वही योगदान आपसे हम जानना चाहेंगे। आप भोजपुरी के लिए क्या करेंगे? माने ये रो जान तनी खाली, भोजपुरी में सिर्फ आप हैं, फिर हम कहां कहनी है, हम कहां कहनी है कि भोजपुरी में सिर्फ आपसे ही नहीं ना सिर्फ भोजपुरी चल रहा है, भोजपुरी को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं भाई। तो हम कहां बोले कि भोजपुरी मेरे से है, हम कहां आपसे बोले हैं, हम क्या बोले हैं कि मेरी औकात उतनी नहीं है। सुनिए मेरी दान बताइए, मेरी बात सुनिए, कौन सा ऐसा गाना? आप सवाल कर रहे हैं लेकिन सवाल करने से पहले आप कुछ सोच नहीं रहे, मेरी बात सुनिए। आप क्या बोले कि भोजपुरी ऑफिस है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरी उतनी औकात नहीं है भोजपुरी को सुधारने के लिए, भोजपुरी को कुछ देने के लिए, लेकिन मैंने भोजपुरी के लिए काम किया है। कि आगे आपका क्या संदेश रहेगा भोजपुरी के लिए? हमारा संदेश यही रहेगा कि विवाद में मत पड़े आप सब, और आप सब अच्छे अच्छे गीतों को सुनिए, इंटरटेन भी कीजिए, मजा लीजिए, मस्ती लीजिए, और विवाद उवाद में मत पड़िए। और दीपक तिवारी को आप सब दिल खोल के आशीर्वाद दीजिए। और मेरा बोलबम का गाना आ रहा है, कल रिलीज होगा, यानी कितना तारीख है कल? 16 तारीख को मेरा कल गाना रिलीज हो रहा है मेरे चैनल पे। आप लोग दिल खुल के आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए, बाकी आप लोग मेरे भगवान हैं, आप लोगों के सामने हम नतमस्तक हैं। और हमारे आरके पांडे भैया के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया को भी आशीर्वाद दीजिए। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे कैसा लगा ये न्यूज और कैसा ये भैया का जो भी विवादित बयान हुआ, चाहे जो भी हम इनसे सवाल जवाब इंटरव्यू हुआ, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखें। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज से हैं तो फॉलो करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना भी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।